सब लोग हैं, आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली। सो बूटस्ट्रैपिंग के एक और एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम लोग कलर्स एंड बैकग्राउंड्स को जो है वो कॉप अप करने जो आ रहे हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, किस तरीके से कलर्स एंड बैकग्राउंड्स आर वर्किंग इन द बूटस्ट्रैपिंग। सो यहाँ पर मैंने कुछ बाई डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ है, कंटेनर रो कॉलम मीडियम, कॉलम मीडियम को मैं ज़रा सा चेंज कर देती हूँ 4x4। सो 4x4 करने के बाद मुझे एक और जो है वो लेना पड़ेगा कॉलम और मैं इसको भी पेस्ट कर दूँ। सो कलर्स पर आते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हैं, यहाँ पर कलर्स एंड बैकग्राउंड है और यहाँ पर कुछ फिक्स वही सेम लाइक दैट जिस तरह से बटन्स के अंदर थे, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेसफुल। सो सिंपल आपने क्या करना है, अगर आपको हाईलाइट करना है कोई भी चीज़ सिंपल आप कॉपी करेंगे उसको। कॉपी करने के बाद अगर आपने 6x6 के दो लिए हैं, फिलहाल मैं इसको चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी कार्ड अप्लाई नहीं कर रही, तो मैंने 6x6 के अगर दो लिए हैं कॉलम्स तो मैं उनके अंदर उसको पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद अगर मैं ओवरऑल पेस्ट करना चाहूँ सेम लाइक दैट, इसको हटा देती हूँ। ओवरऑल पेस्ट करने के बाद आप इसको रन करा के चेक करेंगे, सो देखते हैं लाइक दैट। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से जो भी कलर पिक करना चाहें अपने बैकग्राउंड के लिए वो आप रेलिवेंट एरिया में फिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे फिल? सिंपल, मैं यहाँ से अगर मुझे कंटेनर में लाइक अगर मैंने जो बैकग्राउंड मेरा अपना फॉर्म था उस फॉर्म में जो मैंने फ्लूड में जो कलर दिया था, ठीक है ना, अगर मैं इस कलर के बदले मैं क्लास अटैच करना चाहूँ वही बैकग्राउंड वाली, तो वो मैं कैसे करूँगी? सिंपल, मैंने यहाँ से स्पेस दिया और मैं अपने कंटेनर पर आ गई और मैं यहाँ से डार्क देना चाहती हूँ। मैंने सिंपल यहाँ से इस क्लास को कॉपी किया। सिंपल क्लास को कॉपी कीजिएगा क्योंकि डिव ऑलरेडी आपने ओपन किया हुआ है। आपने जो इस क्लास को कॉपी किया, क्लास कॉपी करने के बाद आप इसी कंटेनर में आए, आपने यहाँ से अप्लाई कर दिया उसको और आप जब इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपका बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ लेट मी चेक। जी टैक्स लिखा हुआ है तो मैं सिंपल बीजी डार्क ऐड करा देती हूँ। यहाँ से मैं इसको एक्स कर देती हूँ, फ्लूट के बाद क्लास के अंदर ही मैं बीजी डार्क ऐड करा देती हूँ। ठीक है, सो चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। ये देखें व्हाट अ ब्यूटीफुल रिज़ल्ट। ठीक है जी, इसी तरीके से क्योंकि क्लास ऑलरेडी, सॉरी मैंने देखा नहीं था, क्लास हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी, इसे दोबारा क्लास नहीं बन सकती। सो अगेन यहाँ पर अगर मुझे डेंजर चाहिए तो मैंने सिंपल बीजी डेंजर की क्लास कॉपी करनी है, क्योंकि टैक्स पे क्यों नहीं है, क्योंकि हम टैक्स थोड़ी हम तो पूरे कंटेनर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम टैक्स को नहीं लेंगे। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट करूँगी तो ऑटोमेटिकली जो डेटा है बैकग्राउंड का वर्ड जस्ट हो जाएगा लाइक दैट। बहुत ही इजी वे के अंदर मैंने आपको बैकग्राउंड्स एंड कलर्स इम्प्लीमेंट करना सिखाया है किसी भी कंटेनर पे, फ्लूड पे या रो एंड कॉलम पे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत